आज की अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी गेंद थी, ना सिर्फ गेंद की लाइन में ही नहीं आए वो बंदा, सिर्फ खड़े खड़े डिफेंस करते करते ये बैटर बैट के बीच से निकले, क्लीन बोल्ड हो गए। सो आई थिंक वरुण चक्रवर्ती ने भी अच्छा किया। बड़ा दिलचस्प रहेगा कि यार वरुण चक्रवर्ती को और कितने मौके मिलते हैं अपने मैचेस में, बिकॉज वॉशिंग सुंदर ने भी अच्छी गेंदबाजी की और लेकिन तेज गेंदबाजों ने इस बल्लेबाज के जी। बारे में क्या कहेंगे, लगातार ट्रोल किए जा रहे थे, लेकिन आज नाबाद पारी के लिए तेज पारी, और इन्होंने कहा कि आज मतलब हमारे लाइव जो हम तैयार कर रहे थे ना, पीछे से हम तैयारी कर रहे थे, थोड़ी सी लेट हमें भी हो रही थी, तो शायद हार्दिक पांडे थोड़ी जल्दी में थे आज। आज इन्हें लग रहा था कि 11 मतलब 20 ओवर कौन खेले, 19 ओवर कौन खेले, जल्दी बैकअप किया जाए। नहीं, आज इनको एस्टेब्लिश किया अपने आप को इन्होंने। इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कभी किसी मैच में जल्दी है, जैसे बारिश आ गई, कुछ और आ गई, तो आप मुझे यूज कर सकते हैं, आप एज अ फ्लोटर यूज कर सकते हैं, और अगर चाहे तो आप कहीं पर भी मुझसे बैटिंग करा सकते हैं। सो इन्होंने आज अच्छा टेम्परामेंट शो किया और 13 रन बनाए 16 गेंदों पर, और शानदार पारी खेली, जबरदस्त पारी खेली और मैच विनिंग पारी खेली, बिकॉज 59 नॉट आउट है। अच्छी बात है कि फिनिश करके आए मैच को। हार्दिक पांड्या ना सिर्फ बैट से बल्कि गेंद से भी कमाल किया, ये उनके लिए भी आई थिंक एक राहत की बात होगी, बिकॉज रोहित को चाहिए एक ऐसा ऑलराउंडर जो बॉल करे, और हार्दिक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम उन्होंने आज बॉलिंग की है, 4 ओवर में जी सिर्फ 26 रन दिए और एक विकेट भी झटका है। तो कुल मिलाकर आउट एंड आउट इंडिया के लिए भाई इस मैच में देखे तो कई सारे पॉजिटिव हैं। आप अर्शदीप का बॉल देख सकते हैं, बड़ा शानदार किया उन्होंने, हार्दिक ने बैट एंड बॉल दोनों से इंप्रेस किया, वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी की भाई, 3 विकेट चटकाए, मयंक यादव जिसे हम कहते हैं रफ्तार के सौदागर, उन्होंने भी दमदार खेल दिखाया भाई, अपनी बॉलिंग से 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट उन्होंने झटके। सो ये टीम इंडिया के लिए सारी चीजें अच्छी है, बट जहां तक बांग्लादेश की बात है भाई, बांग्लादेश पता नहीं यार, बांग्लादेश की बैटिंग में तो अभी अब अगर देखें तो इनके कुल मिलाकर तकरीबन 7 ऐसे बैट्समैन है जो डबल डिजिट में भी नहीं पहुंचे, और इनके लिए दिक्कत है ओपनिंग। अब लिटन दास फिर से आज आउट हो गए, लिटन दास को समझ ही नहीं आ रहा था हो कर रहा है, बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए, आया महमदुल्ला रंग, बड़े आया कोटों, रंग, गया रंग। हाँ बिल्कुल, आया राम गया राम वाली खाने थे, और बड़ा शॉट खेल कर आउट हो गए, क्योंकि आप पता नहीं यार, आप जमना ही नहीं चाहते क्रीज पर, पैर जमाना नहीं चाहते। अब देखिए आप नंबर 8-7 पर बैटिंग करने आते मेहदी हसन मिराज, वो नीचे से आकर 35 बना गए, ऊपर वाले जी बल्लेबाजों ने किसी ने कुछ नहीं किया। सो आप बांग्लादेश कैसे जीतेगा यार मैच, अगर उनको जीतना भी तो कम से कम फाइटिंग स्पिरिट तो दिखाइए आप, कम से कम 170-180 तो लेके जाइए, जहां तक आपको लगे कि हाँ यार ये तो अच्छा टोटल है जहां से हम मैच में कम बैक कर सकते हैं। अब बताइए 127 में आप कैसे इंडिया को रोक लोगे यार, और इंडिया के पास 300 बल्लेबाजी है यार, वो प्लेयर इंडिया के पास, तो जो आईपीएल में हमने देखा था कि भाई उस खिलाड़ी का नाम था अभिषेक शर्मा, और ट्रेविस हेड के साथ आते तो क्या बैटिंग करते थे वो। सो ये है, लेकिन एक चीज और इम्पोर्टेंट थी कि भाई संजू सैमसन, मैं ये देखना चाहता था कि संजू सैमसन कैसी बैटिंग करेंगे। ठीक ठाक किया उन्होंने, लेकिन एक जो शॉट उन्होंने खेला ना, जो कि सेट होकर आउट हुए, आज संजू सैमसन के पास अच्छा मौका था, आज वो फिनिश करके आ सकते थे, हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर सकते थे, बट वो 29 बनाए सिर्फ 19 गेंदों पर, 6 चौके जरूर लगाए उन्होंने, बट मैं ये चाहता था कि थोड़ा सा और रुक जाते ना तो उनकी हाफ सेंचुरी हो जाती, और फिर कहीं ना कहीं वो डाउट्स थे थोड़े बहुत अभी भी हैं, वो क्लियरिटी मिल जाती। सूर्य कुमार यादव जैसे अंकित ने बताया, बड़ा अनलक्की रहे क्योंकि सीधे हाथों में गेंद चली गई। नीतीश रेड्डी अब ये नॉट आउट आए हैं, और हार्दिक भी नॉट आउट आए, कुल मिलाकर टीम इंडिया के 3 विकेट गिरे। पहले सैमसन 29 बनाए थे, उसके बाद अभिषेक शर्मा का बड़ा अनफॉर्चुनेट विकेट था, रन आउट हो गए, और बड़े कहीं ना कहीं कोस रहे अपने आप को, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी करना चाहते, खुद का ही कॉल था, खुद का ही कॉल था, बिना फिल्टर देखे बाहर भाग रहे थे, क्लोज कॉल था, लेकिन वहां पर डायरेक्ट हिट लगा और आउट हो गए, क्रीज के मतलब कहते ना फ्रेम में भी नहीं थे वो जब थ्रो लगा। सो कुल मिलाकर इंडिया के लिए तो जीत आई है, अब दूसरा मुकाबला है और ये दिल्ली में मैच होगा, तो क्या दिल्ली में बांग्लादेश करेगा कमबैक, या फिर टीम इंडिया ही एक बार फिर से चैंपियन बनाएगी, क्योंकि तो लग नहीं रहा है यार, बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इंडिया का जो यंग टैलेंट है ना, उसने भी बार बार जहां जहां मौके मिल रहे वहां वहां अच्छा कर रहे हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि भाई फील्डिंग भी शानदार ही रही है, तो हम कहते हैं बैटिंग बॉलिंग तो ठीक है, बट फील्डिंग में भी आपको अच्छा करना पड़ता है, आज फील्डिंग भी लाजवाब रही है, मतलब हर जगह हर कोने पर। सो क्रेडिट देना चाहिए टीम इंडिया की जीत। बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए, 1-0 की बढ़त टीम इंडिया ने बना ली है, और इस मैच के हीरो जो है वो कई सारे गए हैं। चक्रवर्ती ने भी अच्छी गेंदबाजी की, इसके अलावा मयंक यादव की बात की जाए तो मयंक यादव ने भी अच्छी गेंदबाजी की, और अपने डेब्यू मैच में ही एक बड़ा इतिहास भी रचा है। तीसरे ऐसे भारतीय गेंदबाज बन गए जिन्होंने अपने पहले ही डेब्यू मैच में पहला ओवर जो है वो मेडन रहा। साथ ही साथ आपको बता दें कि नीतीश रेड्डी का भी यहाँ पर डेब्यू हुआ है, और नीतीश रेड्डी भी नॉट आउट। रेडी मतलब, हाँ नीतीश रेड्डी रेडी मतलब आगे मैच खेलने हाँ के लिए। आगे मैच के लिए रेडी है, जिसके
इसके अलावा बात करें हर्षदीप की, तो हर्षदीप ने भी अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी की, 3.5 ओवर किए, 14 रन मात्र दिए और 3 विकेट चटकाए, 3.70 इनकी इकोनॉमी रही है। तो हर्षदीप के लिए भी ये पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि बार बार ये चीजें हो रही थी ना कि हर्षदीप को मौका मिलेगा या फिर यहाँ पर कोई और गेंदबाज होगा, लेकिन हर्षदीप ने अपने आप को प्रूव किया और यही चीजें होती है कि आपको और भी आगे तक ले जाते। बिल्कुल ठीक आपने, लेकिन आपको लगता है तक थोड़ा बहुत ये होगा क्रिकेटर्स के जहन में, बिकॉज अभी मेगा ऑप्शन आने वाला है और जो अच्छा कर दे इंडिया के पास अभी एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज 2 मैचेस अभी भी स्टिल बचे हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी बड़े वो रहेंगे कि यार हमें मौका नहीं मिला, कुछ कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हमें नजर आते हैं, चाहे रवि बिश्नोई की बात हो, रवि बिश्नोई को मौका नहीं मिला इस मैच में, और भी कई ऐसे खिलाड़ी जैसे रियान पराग खेल रहे थे, शायद नहीं खेल रहे थे ना, रियान पराग थे पंजाब पहले भी नहीं छोड़ रहा था पंजाब के लिए, आप छोड़िए पंजाब के साथ साथ अगर बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस में, तो हर्षदीप ने अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी की है, चाहे आप जो वहाँ पर अफगानिस्तान के साथ सीरीज थी वहाँ पर भी अच्छी गेंदबाजी करती नजर, और सप्तम भी हमने देखा T20 मैचेस में वहाँ पर हर्षदीप ने अपना अहम योगदान दिया। और पंजाब की बात करें तो पंजाब भले ही एक भी ट्रॉफी नहीं जीता हो, लेकिन वहाँ पर गेंदबाजी जो है वो हर्षदीप ने अच्छी की है, तो हर्षदीप को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना यहाँ पर टीम चाहेगी। साथ ही साथ मयंक यादव की बात करें तो मयंक यादव ने अपने आप को प्रूव किया है, IPL में जैसा प्रदर्शन उनका था वैसा ही प्रदर्शन यहाँ पर भी दिखाते नजर आए, 1 विकेट चटकाया, और मतलब T20 में मेडन जो है वो मतलब बहुत कम ऐसा हमने देखा है कि आप T20 में मेडल इस तरीके से फेंकेंगे, और यही चीजें कॉन्फिडेंस देती है कि आप अपने पहले मैच में एक है ना अमिट छाप छोड़कर जाते हैं, एक अच्छी किफायती गेंदबाजी करके जाते हैं, तो यहाँ पर चीजें बहुत अच्छी है। देखिए नजरें जो है वो सबसे ज्यादा अभिषेक शर्मा पर थी, क्योंकि अभिषेक शर्मा जो है वो बार बार चीजें हो रही थी कि मतलब मौके नहीं मिल रहे हैं, तमाम सारी चीजें थी कि इन्हें लिया जाना चाहिए, वर्ल्ड कप की बात हो रही थी वहां पर भी मौका देना चाहिए था, लेकिन अब मौका मिला है तो मौके का सही से इस्तेमाल आपको करना चाहिए। हालांकि चलिए पहला मैच है और पहले मैच में आपने बड़ी जीत हासिल की है, यहाँ पर 11वें ओवर में ही मतलब मैच को फिनिश कर दिया, ये चीजें बहुत मैटर करती है, तो आप मैच तो आप जीत गए, अब अगला टारगेट ये होना चाहिए कि पहला मैच जीतने के बाद दूसरा मैच भी इसी तरीके से जीते और बांग्लादेश को क्लीन स्वीप करके अपने देश लौटाने की कोशिश करें। लग रहा है ऐसा, क्योंकि भारतीय टीम की जहां तक बात है भाई आज भी देखिए एक तरफा जीत है, क्योंकि इनको 12 ओवर पे आप ये मैच जीत गए, 11.5 हो गया थे अंकिता, पूरे तो 12 ओवर हुए भी नहीं थे, तो एक थम्पिंग विन है और यहां से यही चाहेगा इंडिया, क्योंकि देखिए उड़ गया बांग्लादेश इंडिया के मतलब तूफान में, जो तूफान आया ना इंडिया का, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग में तो आप कम्पीट नहीं कर सकते इंडिया, बैटिंग आउटस्टैंडिंग है आपकी, अब बॉलिंग में ये कि इस बार बुमराह नहीं है, सिराज नहीं है, तो यहाँ पर आपको कुलदीप यादव नहीं है, यूजी नहीं है, तो आप एक थोड़ा सा एज मिल जाता है बांग्लादेश को, अगर वो अच्छा खेले तो बैटिंग में अच्छा दमखम दिखाए, बांग्लादेश की बॉलिंग ठीक है, बॉलिंग बुरी नहीं है, बट बैटिंग में उनको